सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 13.4 के बारे में, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले भैया हम ले लेते हैं भैया इस एक्सरसाइज में करना क्या है। इस एक्सरसाइज में बेसिकली स्पेयर और हेमी स्पेयर की बात चलेगी। किसकी बात चलेगी? स्पेयर और हेमी स्पेयर की बात चलेगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे स्पेयर और हेमी स्पेयर बेसिकली है क्या। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं सर्कल है, उसी सर्कल की तरह हमारा क्या होता है, स्पेयर होता है। लेकिन जो हम स्पेयर है इसको बेसिकली हम 3D में देखते हैं। मतलब आपने सर्कल है तो सर्कल को आप लोग 3D फिगर मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर कितना होता है आप लोग, होता है 4πr² क्या होता है बोलिए आप लोग, 4πr². अब इसी का हमारा आता है हेमी स्पेयर, ठीक है। हेमी स्पेयर मतलब भैया स्पेयर आप इसको आधा काट दीजिए, ठीक है। आधा काटेंगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा स्पेयर, ठीक है। कुछ मतलब 3D में विजुलाइज करना है तो कैसे बन रहा है देखिए मैं दिखा देता हूँ। एनसीईआरटी में गिवन है, इस तरीके देख रहे हैं कर्व सरफेस एरिया इसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं? देखिए मैं दो हमें दिख रहा है 3D टाइप, तो बस इसी तरह हमें कैलकुलेट करना है। तो हम इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा बताइए आप लोग। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्पेयर, हेमी स्पेयर मतलब हम हेम स्पेयर को क्या कर रहे हैं, आधा कर दे रहे हैं। तो कितना आगे बताइए आप लोग, 2πr² होगा, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया बताइए कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्पेयर बोलिए आप लोग, हाँ कितना होगा, 3πr² होगा। कैसे आ रहा है इसे हम देखिए, हमने पढ़ा था ना कि ये वाला जो हमारा कर्व सरफेस एरिया मतलब कि आउटर वाले को हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। लेकिन जब हम टोटल सरफेस की बात करते हैं भैया इसको भी आपको कवर करना होगा, तो ये भी तो आपका एक सर्कुलर है, तो मतलब πr², तो बस 2πr² में हमने स्क्वायर करते तो हमारा 3πr² आ गया। तो हमारा यहाँ से काम हो गया। बस हमें तीन फार्मूले का बेसिकली ध्यान रखना, किस पे सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर हमें याद रखना है, फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर याद रखना है, फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्पेयर रखना है। हम एक्सरसाइज में इसकी बात करेंगे 13.4 में, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको फार्मूलों के बाद मेमोराइज कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे मेरे साथ क्वेश्चन करेंगे, सारे याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। कुल मिला जुलकर बस तीन ही फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम एक्सरसाइज पर बात करेंगे।